हाय एवरीवन, कैसे हैं सब? तो देखिए, आज है संडे का दिन और आज मेरठ में इतनी बारिश लगी हुई है कि कोई हद नहीं है। पानी पानी और इतना ठंडा मौसम हो गया है। तो बच्चे अभी उठे हैं, मॉर्निंग का टाइम है और अभी थोड़ी देर हो गई उठे हुए। बिस्किट्स वगैरह खा रहे हैं, दूध वूध उन्होंने पी लिया है और मैंने भी घर की क्लीनिंग कर दी है क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज डायलिसिस पे जाना था तो वो वहाँ चले गए और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई। तो उस दिन तो वैसे भी मुझे जल्दी उठना होता है, लेकिन आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। और अभी थोड़ा सा मैनेज करना है, क्लीन है वैसे, बस चीज़ें ठीक करनी है। और देखिए बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कैसा मौसम हो रहा है। मतलब ठंड तो है, लेकिन ठंड में बारिश का भी एक अलग ही मज़ा होता है। खूब ठंडा ठंडा, एकदम चिल्ड मौसम हो गया, पानी पानी और सब चीज़ें ऐसे लग रही हैं धुल गई हों। ठंडक सी काफ़ी हो गई है मौसम में। अब लगता है जो 31st की ठंड थी वो अब आई है। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए वेदर आज का कैसा कमाल हो रहा है, बिल्कुल बारिश हो रही है। और आज मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का आज डायलिसिस है तो वो डायलिसिस पे गए हैं, तो जल्दी तो उठना ही था, बट आज ज़्यादा ही जल्दी कुछ उठ गई। और रात को भी लेट सोई थी। रात को तो खैर मुझे नींद नहीं आती जल्दी से, मेरे सर में दिमाग में कुछ 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 घूमता रहता है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कई बार कि जल्दी जल्दी सो जाऊँ, लेकिन आती नहीं नींद। तो सोई भी लेट, मैं लगभग 1 बजे सोई होंगी ऐसे ही कुछ कुछ। फिर मैं अपना यूट्यूब का काम करने लग जाती हूँ और अपनी वीडियो वगैरह एडिट की 1 बजे तक, उसके बाद सोई। और उसके बाद जब उठी तो मैं लगभग कैसे उठ गई होंगी आज 4:30-5:30। तो 4:30-5:30 बजे उठी और उठने के बाद ना, जब मैं उठती हूँ तो या तो पूरी तरह उठती हूँ, नहीं तो नहीं उठती, मैं आपको सच बताऊँ। फिर उठने के बाद वो पड़े रहो वाला काम मेरे से नहीं होता। फिर उठ के गर्म पानी पिया, फिर मैंने सोचा सुबह सुबह उठ गई हूँ तो पूरे घर की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो मैंने अपने घर की मॉपिंग और डस्टिंग वस्टिंग सुबह ही कर ली, और अच्छा भी हुआ ना, इतनी बारिश में फिर इस टाइम पे काम करना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता। तो लगभग 5:30 या 6 o'clock पे मेरा घर पूरा क्लीन हो चुका था। तो जल्दी उठने के फायदे तो है, जल्दी उठ के सारी मॉपिंग कर दी और जल्दी से नहा के फिर पूजा वूजा करके आ गई। और मेरे बच्चों के दादाजी यानी मेरे ससुर जी आए हुए थे तो वो भी चले गए नाश्ता करके। मेरे हस्बैंड अपना डायलिसिस कराने के लिए गए, लेकिन मौसम बड़ा ख़राब है आज। उनको बाहर भेजते हुए भी मुझे लग रहा था कि ठंड ना लग जाए कहीं, लेकिन पता है डायलिसिस 2 दिन पहले होनी थी, बट ना कभी कभी पेशेंट ज़्यादा होते हैं या फिर कोई इमरजेंसी होती है वहाँ पे तो वो डिले कर देते हैं थोड़ा सा। तो 2 दिन लेट हो गया तो मेरे को टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि डायलिसिस अगर लेट हो जाती है इनकी तो थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस ही ज़्यादा होने लगती है, डर लगता है क्योंकि किडनी फंक्शन अब नहीं कर रही अच्छे से। तो डायलिसिस टाइम पे होती रहती है तो ही ठीक रहता है। तो आज उनका डायलिसिस है, संडे है, संडे में वो कभी डायलिसिस पे नहीं जाते, आज गए हैं क्योंकि संडे थोड़ा सा फ्री रखने की कोशिश करते हैं, बच्चे भी फ्री रहते हैं, हम लोग थोड़ा सा एक साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, बट आज संडे में गए मॉर्निंग में। और आज संडे का दिन है और आज डेट क्या है, आज है 3 जनवरी और आज वो डायलिसिस। और मेरे को भी अपने सारे टेस्ट कराने जाना था जो मेरा किडनी फंक्शन वगैरह चेक करने के लिए, तो टेस्ट तो मेरे को 2-3 दिन पहले करवाना था, बट वो हुआ नहीं क्योंकि वेदर इतना अजीब हो रहा था। थोड़ी हस्बैंड की तबीयत भी ना ठंड ज़्यादा होती है तो गड़बड़ हो जाती है, मतलब सर्दियाँ काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है, सर्दियों में उनकी तबीयत बहुत गड़बड़ हो जाती है हर बार। और मुझे याद है कि पहले उनकी बॉडी इतनी फिट रहती थी, किडनी प्रॉब्लम होने से पहले कभी उनको जल्दी से फीवर कफ कोल्ड कुछ नहीं होता था, बिल्कुल फिट रहते थे। लेकिन जब से ये किडनी की बीमारी आई है ना तो तब से बड़ी बॉडी उनकी थोड़ी डाउन हो गई है। तो सर्दियों में बहुत दिक्कत हो जाती है, सर्दियाँ ना थोड़ी सी भी ठंड लग जाती है, पैरों में पेन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है मतलब। तो देखो शायद मंडे ट्यूसडे कब जाऊंगी, तो थोड़ा सा टेस्ट कराने के बाद में सारा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ सब चीज़ ठीक है। और उसके बाद डोनेशन की तैयारी करेंगे, मतलब उनको किडनी डोनेट करने की, ट्रांसप्लांटेशन की। तो उम्मीद तो है कि हम अब जल्दी इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कब तक क्या होता है, डॉक्टर से पूरा कंसल्ट कर लिया हम लोगों ने और डॉक्टर से पूरी तरह बात कर ली है क्या कैसे करना है। तो लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है, अभी ये वाले जो प्रोसेस है बहुत जल्दी जल्दी थे, कुछ छोटा मोटा कोई ऑपरेशन हो तो इंसान जल्दी बाजी में भी करा ले, लेकिन जब तक हम सेट, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर है उनसे दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था एक्चुअली, तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वो, रवि बंसल PSRI में बैठते हैं मालवीय नगर में दिल्ली में, बट दिल्ली में थोड़ा सा ये कोरोना की वजह से ना जब से ये आया तो कुछ चीज़ें बड़ी सोच समझ के करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरठ से वहाँ अप डाउन करने में भी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो भी इंसान टेक केयर के लिए वहाँ पे रहेगा उसको भी थोड़ा सा
और इस टाइम पे ज़्यादा बाहर का खाना वाना भी नहीं खा सकते हैं, तो मेरठ से वहाँ तो मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए, और जो डॉक्टर है, एक और डॉक्टर है, उनसे हमारी बात चल रही है, आगे क्या होता है। लगे तो हुए हैं बात करने, और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी जल्दी में ही हो जाए तो ठीक है, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल की टेंशन नहीं है, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, सब चीज़ें घर से मैनेज हो रही हैं। जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे उस टाइम पे हम ये चीज़ कराएंगे, तो शायद थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा होगी बच्चों के स्कूल को भी मेंटेन करना, और फिर जो भी यहाँ पे हम बच्चों की देखभाल करने के लिए हमारे पास में रहेंगे, हमारे रिलेटिव या जो भी, तो उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें ज़्यादा होंगी। अभी तो मैम आती हैं, वो सारा काम करा जाती हैं, बच्चों का पढ़ाई का पूरा देखती हैं, वो अच्छे से पढ़ाती हैं बच्चों को, और अभी स्कूल की टेंशन नहीं है, तो हम सोचेंगे ये प्रोसेस जल्दी आके बढ़े। जब भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कहने और सुनने में ये चीज़ें आसान लगती हैं कि हाँ कराना है, लेकिन बहुत चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, कौन रुकेगा, कौन देखभाल करेगा, और खर्चा भी बहुत होता है देखिए बड़े ऑपरेशन में। और बात ये नहीं है कि खर्चा होता है, मतलब अगर ये चीज़ अभी आती है, कोई और ऑपरेशन अभी होना होता तो इंसान उसके लिए प्रिपेयर होता, बट जो इंसान पहले से ही 3-4 साल से इस बीमारी में फंसा हुआ है और डायलिसिस भी चल रहे हैं, और दुनिया भर का बीमारी का खर्चा आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है, मेरे हस्बैंड याद है क्या हुआ ही था यार, ये मेरे हस्बैंड 1 महीने के लिए पहले भी एडमिट रहे थे हॉस्पिटल में, तभी भी हमारा बिल काफ़ी बना था। लेकिन यह है कि पैसा तो आने वाली चीज़ है, आने जाने वाली चीज़ है, इंसान ठीक रहे तो सब कुछ ठीक है। तो आज वो कहे हैं डायलिसिस पे, तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ, और अभी मैंने भी ये शॉल वगैरह ले रखी है आज, तो क्या काफ़ी ठंड है, तो अपना मैं भी यूट्यूब का कुछ काम करने लगी थी बैठ के, क्योंकि और सारे काम तो फिनिश हो गए हैं घर के, तो सोचा चलो यही कर लेती हूँ। लंच बनाने में भी टाइम है, लंच में भी कुछ लाइट सा ही बनाऊंगी आज। तो चलिए, जो भी करते हैं पूरे दिन आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। तो ये इवनिंग का मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, कुछ अपने पेपर्स सर्च करने हैं, कुछ सेंड करने हैं कंपनी में, और इधर बच्चे रजाई में बैठे हैं, बच्चों का फ्रेंड आ गया है मिट्टू, तो तीनों बैठ के टीवी वॉच कर रहे हैं लाइव इंसान, जो कि हमेशा देखते ही रहते हैं। मुझको थोड़ा सा काम था बाहर का, तो फिर मैं बाहर आई, देखिए अभी बारिश रुकी हुई है, मैंने सोचा जल्दी से करके आती हूँ। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, मेरी प्रेस ख़राब हो रही थी कई दिन से, प्रेस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसका तार हिल रहा था, स्पार्किंग हो रही थी, तो मुझे उससे प्रेस करते हुए लग रहा था डर, और 2-3 चीज़ें और हैं छोटी मोटी जो ज़रूरी हैं काफ़ी, तो उसके लिए बाहर आई। अभी मैं स्टेशनरी शॉप पे, तो मैंने सोचा मुझे कुछ DIY करना था, अपना प्लानर बनाना था, जिसका वीडियो मैंने शायद पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसके लिए कुछ लेने के लिए आई। तो ये पेपर्स मेरे को अच्छे दिखाई दिए, मैंने सोचा कवर बनाने के लिए इनको ले लेती हूँ, और देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल प्रिंट लग रहे थे। और वेदर दिखाती हूँ कैसा है, लग रहा है रात को फिर से बारिश आएगी, और खूब बारिश हुई भी रात में, क्योंकि अगले दिन मैं एडिट कर रही हूँ ये, और बहुत ही मज़ेदार ठंडे वाला मौसम हो रहा है मेरठ में। तो भैया की शॉप पे अपने प्रेस को ठीक कराया और आ गई घर पे, और ये मैंने छोटू सा प्लानर बनाया। सो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।